साथियों, आपने सुना होगा, देखा होगा कि पति के साथ में सती होते हुए वीरों को, वो कौन थी जिसने पृथ्वी लोक पर अपने पति के साथ में सती होने के लिए तैयार हो गई थी? साथियों, उस यमराज महाराज से भी अपने पति के प्राण वापसी ले लिए थे। मेरे नौजवान बैठे हैं, सभी के समझ में राग नहीं आएगी, क्योंकि विद्वानों की सभा है। प्रोग्राम में कुछ लोग आते हैं रागनी देखने के लिए, कुछ सुनने के लिए। ये रागनी सुनने के लिए है, देखने के लिए नहीं है। और सत्यवान का अंतिम समय आ जाता, बियाबान जंगल में पेड़ पर लकड़ी काट रहा था। नारद मुनि के 12 साल बताए हुए पूरे हो जाते हैं और सत्यवान का अंतिम समय आ जाता, चक्कर आने लगते हैं, पैरों तले से धरती हिलने लगती है। साथियों, अब तो सत्यवान अपने प्राणों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता मेहरबानों, और सावित्री हाथ को पकड़ लेती है, कहने लगी, प्राणनाथ, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हारा बाल बांका भी नहीं हो सकता, ये मेरा वादा है। सावित्री कहिए भैया जी, आज मेरा अंतिम टाइम है। सावित्री, मुझे यम के दूध दिखाई दे रहे हैं और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सावित्री महाराज, आप ये कैसे बैठी बैठी सी बातें कर रहे हो? मुझे लगता है आज आपने कुछ ज्यादा ही काम कर लिया है, जिसके कारण आपके शरीर में हरारत है महाराज। नहीं सावित्री, किसी ने कहा है? आप सभी जानते हैं कि जो दुनिया से चला गया, जो दुनिया से चला गया वो कभी वापस नहीं आता। सावित्री, आज मैं इस पृथ्वी लोक को छोड़ के जा रहा हूँ स्वर्ग लोक की तरफ। यमराज महाराज मुझे दिखाई दे रहे हैं। सावित्री नहीं महाराज, मेरी बात सुनने रखनी कहते आइए गुरु जी। Oh,
अरे तेरे भरोसे छोड़ चले आ।
स्टोन अटैक कैसे।